गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत सब लोगों को बधाई और शुभकामनाएं। आज हमारे देश में संविधान लागू हुआ, हम सब तन मन से संविधान की रक्षा के लिए प्रतिदिन प्रति मिनट प्रति सेकंड काम करते हैं। पर हमारे देश के उन शहीदों ने अपनी शहादत देकर के इस देश को आजाद कराया, और बाबा साहब ने और सब लोगों ने मिलकर के इस जो संविधान का निर्माण किया, और आज के दिन जो संविधान हमारा लागू हुआ और उसी संविधान के मुताबिक हमारी पार्टी के तमाम नेताओं ने इस देश के संविधान को बचाने का काम किया, संविधान की मान और मर्यादा को बढ़ाने का काम किया। आज जो स्वर्णिम भारत हम देख रहे हैं उसमें हमारे महान नेताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के हम सदस्य हैं, जिस कांग्रेस पार्टी ने और उनके महान नेताओं ने इस देश को आजादी दिलाई। और आज जिस प्रकार से जो संविधान खतरे में पड़ गया है, जिस प्रकार की ताकतें संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए हम सब लोगों को ऐसे हमारे राष्ट्रीय पर्व के ऊपर हम सबको संकल्पबद्ध होकर के काम करना पड़ेगा। पुनः देश जिस दिशा की ओर जा रहा है, हम सब देख रहे हैं कि जब हम किताबों में पढ़ते हैं कि देश आजाद हुआ तब किस प्रकार से बोलने की आजादी नहीं थी, किसी प्रकार की सारी यातनाएं जो उस वक्त अंग्रेजों के द्वारा दी जाती थी, वो यातनाएं आज केंद्र की सरकार के द्वारा हमारे देश के नागरिकों को दी जा रही है। आज न मीडिया को आजादी है, न किसी को बोलने की आजादी है। हमारे 140-40, 50-50 सांसद इसलिए निकाल दिए जाते हैं देश की संसद से कि आप बोल नहीं सकते, आप अपनी आवाज उठा नहीं सकते। तो मैं समझता हूं कि हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम एक ऐसी पार्टी के सिपाही हैं जिस पार्टी ने, जिस पार्टी के महान नेताओं ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए और इस देश को आजाद करा करके जिस प्रकार से ये संविधान लागू हुआ, और आज आप देख सकते हैं कि किस प्रकार संविधान की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए हम सब लोगों को एक स्वर में हिम्मत के साथ काम करना पड़ेगा। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस प्रकार देश के मुद्दों को लेकर के पहले भारत जोड़ो यात्रा की और अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, किस प्रकार वहां के मुख्यमंत्री और वहां के सरकार में बैठे हुए लोग उनकी यात्रा को रोक रहे हैं, किस प्रकार से उनकी यात्रा में व्यवधान डाला जा रहा है, इन सब चीजों को पूरे देश और दुनिया देख रही है। इस पावन दिवस के ऊपर, पावन पर्व के ऊपर हम सब कांग्रेस पार्टी के सिपाही संकल्पबद्ध होकर के अपने आप ये संकल्प लेकर के इस देश को बचाना है, इस संविधान को बचाना है। और हम उन शहीदों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर के इस देश को आजाद कराया है, उन सब को याद करते हुए हम सब लोग एक साथ आकर के 36 कोमों को साथ लेकर के संविधान को अपनी गीता बाइबल मानते हुए हम सब लोग काम करें। और ऐसी ताकतों को जो वापिस हमें गुलामी की ओर धकेलने की कोशिश कर रही हैं, उन सब का डट करके मुकाबला करें। आप सब लोगों को पुनः
गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।